हाँ आज देखिए, हाई स्कूल अंग्रेजी 817 AL का देखिए आप सलूशन। हाई स्कूल 2019 817 क्वेश्चन है, पैसेज के आंसर देने हैं। सोक्रेटिस लिप्स वाला पैसेज है, इसका आंसर है पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन। तो लेसन का नाम ऊपर लिखा हुआ है सुकरात सोक्रेटिस, और इसके जो हैं लिखा हुआ है आथर ऑफ द लेसन, आथर हैं रोडा पावर। दूसरा है वेयर एंड व्हेन सोक्रेटिस लिव, तो वेयर में लिखा हुआ है देखिए इन एथेंस, तो होगा इन एथेंस, और लिव के लिए व्हेन पूछा है, यहाँ लिखिए लिखा हुआ है ऊपर 400 years बिफोर, तो होगा 400 BC बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लेंचो का पूछा है कैरेक्टर स्केच, तो लेंचो के कैरेक्टर स्केच लिखें या युधिष्ठिर की लिखें क्वालिटी। तो लेंचो में तीन क्वालिटियाँ थी, एक पहली क्वालिटी थी वो पुअर मैन था, दूसरी क्वालिटी थी कि वो गॉड में विश्वास रखने वाला था, गॉड बिलीवर था, और थर्ड क्वालिटी ये थी कि हार्ड वर्कर था, वो कठोर परिश्रम करने वाला था। ये तीनों हेडिंग बना के आपको लिखना है विद इन 60 words। फिर सेकंड क्वेश्चन है रिष्ठिरा की क्वालिटी, तो उसकी सबसे मेन क्वालिटी है वो है इम्पार्टियलिटी। इम्पार्टियलिटी में क्या है कि उसने अपने भाई को चांस दिया उसको रिवाइव करने के लिए, और सेकंड है ट्रुथ, सच बोला वो। तो ये दो इसकी हेडिंग बना के आपको लिखना हुआ है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच मनी लेंचो नीड, तो लेंचो को 100 pesos की नीड थी लेंचो को। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड गुड पीपल नॉट स्टे एट वन प्लेस, यहाँ लिखेंगे आप गुड पीपल शुड नॉट स्टे एट वन प्लेस बिकॉज दे हैव समथिंग विच नीडेड एवरी वेयर, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड है हाउ वाज पंडित नेहरू अटैच टू द गंगा, तो आप लिखेंगे पंडित नेहरू अटैच्ड गंगा फ्रॉम चाइल्डहुड। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है सॉर्टरी का लोनली, हैगलिंग का बारगेनिंग, माइजरी का सीक्रेट, और रिसेप्शन का वेलकम। या अगर आप इसको ऐसे देखें तो ए की मैचिंग हो रही है थर्ड नंबर से, बी की मैचिंग हो रही है फोर्थ नंबर से, सी की मैचिंग हो रही है फर्स्ट नंबर से, और डी की मैचिंग हो रही है सेकंड नंबर से, ये इसकी मैचिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में है विच पोयम, तो आप लिखेंगे पोयम द फाउंटेन पोयम का नाम है, और लिखा है पोएट तो जेम्स रसेल लावेल को लिखा था। थर्ड है सेम क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द विंड्स ब्लो, साफ साफ लिखा हुआ है वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, क्या लिखेंगे आप वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, पूरा क्वेश्चन वही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका है 6 में देखिए आपका है राइट द 4 lines ऑफ द पोयम, आप पोयम लिख लीजिए या आपका सेंट्रल आइडिया है उसको लिख लीजिए। उसके बाद 7 क्वेश्चन में है डिस्क्राइब वन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन मेड बाय एडिसन, तो भैया एडिसन ने आपका बल्ब बनाया हुआ था, बल्ब को लिख दीजिए हो गया, या ग्रामोफोन भी उन्होंने बनाया था उसको भी आप लिख सकते हो, चाहे जो दोनों में चाहे जो लिख लीजिए आप ग्रामोफोन या बल्ब। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल क्वालिटी डिड विक्रमादित्य प्रोसेस्ड, लर्निंग एंड जस्टिस। थर्ड है हु वाज जेसी वुमेन, तो आप लिखेंगे लॉन्ग जंपर, लॉन्ग
जंपर था वो, और वाई डिड ही विजिट बर्लिन, बर्लिन क्यों गया, फॉर ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स में के लिए वो बर्लिन गया हुआ था। फिर ट्रू है, लुज लांग वाला पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तीसरा वाला भी ट्रू है, और चौथा वाला जो दिया है वो भी फॉल्स है। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट फॉल्स है और सेकंड और थर्ड ट्रू है, एफ टी टी एफ। फिर है नाइन नंबर है, द एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ इज गेटिंग सक्सेस बाय, फाइटिंग वेल्स, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर। किंग विक्रम आदित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड लर्निंग, थर्ड राइट आंसर, सी आल्सो थर्ड इज द राइट आंसर, सी फेल इल, एंड इन द लास्ट डी, इन द डी उज्जैन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन बी ग्राम पोर्शन, फर्स्ट वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, बी चेंज करना है तो होगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम, देन द राइट आंसर इज द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स इफ दैट वाज द मेथड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन दैट सम। द सेकेंड इज चेंज इंटू पैसिव वॉइस, सी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर, देन हर ब्रदर वॉज बींग हेल्प्ड बाई हर। इन द डी सेक्शन, माई फ्रेंड इन दिल्ली फॉर लास्ट फाइव ईयर्स, माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग, माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग। एलेवन नंबर, वेन वाई डू यू नॉट लिसन टू, टू इज द राइट आंसर, इन द बी आप देख रहे हैं अनलेस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ वाला प्रेजेंट बनेगा, यू वर्क हार्ड। ये है मैथमेटिक्स, ये है डिस्कशन, इसमें ये एम बड़ा से बनेगा, माई बड़े से बनेगा, यहाँ आएगा कॉमा डबल कॉमा, ये वाई बड़े से बनेगा, डब्लू बड़े से बनेगा, फिर ये पूरा जाएगा यहाँ लखनऊ में यल बड़े से बनेगा, उसके बाद पूरा आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और कॉमा क्लोज आएगा, इतना आपको पंजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है ट्रांसलेशन, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, ए ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द वे ऑफ ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्ट मैन नेवर लीव द वे ऑफ ट्रूथ, वह परिश्रमी होता है, ही इज हार्ड वर्कर, वह दूसरे का हिस्सा नहीं ले जाता है, ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक अदर्स शेयर, वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। थर्ड में आपको लिखना है आपकी, तो आप इवनिंग गेम के अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन लिखिए, या आपको लिखना है हिस्टोरिकल प्लेस के लिए अपने फ्रेंड को लिखना है आपको लेटर, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका माय बेस्ट फ्रेंड पर है, उसका नेम है, क्लास है, पेरेंट्स है,
इन सभी हेडिंग देते हुए आप उसको सिंपल सिंपल वर्ड्स में 60 वर्ड में आपको लिख देने हैं, या बुक पे लिखिए जो आपको पसंद हो उस बुक के बारे में, उसके नेम, उसके आथर के बारे में। जैसे रामायण लिखा है आपने, उसके आथर कालिदास या तुलसीदास जो भी आप लिख रहे हैं उसको लिखिए। फिर बुक में क्या थीम है, क्या कहानी है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, उसको आपको क्यों पसंद है, और लास्ट में उसके उसकी जो भी उसमें क्वालिटियाँ हैं उसको आप लिखते हुए लिख दीजिए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन पर दिया हुआ है उसका यूज़ क्या है, स्मॉल है, हैंडी है, इजी टू कैरी है, इन सब हेडिंग को देते हुए आप ऐसे को बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हो। सीधा अनसीन पैसेज, अनसीन में दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चनों में देखिए। सबसे पहले है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों कहते हैं, इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है एकदम, बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, वो सबको सही रास्ते पर लेकर चलते थे, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड नेताजी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही से टू कंट्री मैन, उन्होंने क्या कहा, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम, ये इसका लास्ट वाले का आंसर है। बी वाले का आंसर ये है, और ए वाले का आंसर आपको ये ऊपर दिया गया।